खंडवा जिले के मुंदीनगर में शनिवार को सुभाष चौक पर लोकतंत्र सम्मान दिवस और कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ। पूर्व केंद्र मंत्री अरुण यादव 3 बजे मुंदीनगर के बस स्टैंड पर पहुंचे। यहां से तिरंगा यात्रा प्रारंभ हुई जो मेन रोड माता चौक होते हुए गांधी चौक पहुंची, जहां अरुण यादव ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं उसके बाद सुभाष चौक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि देश में अन्नदाता संकट में है। काले कृषि कानून लागू कर किसानों का भारी नुकसान किया जा रहा है। इससे सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों को लाभ मिलेगा। देश में लगातार निर्वाचित सरकारों को धन बिल से खरीद फरोख्त करके उनको गिराने की एक परंपरा शुरू की गई है। आज से ठीक 1 वर्ष पहले मध्य प्रदेश में जो 2018 में प्रदेश की जनता ने चुनी थी, उस निर्वाचित सरकार को भारतीय जनता पार्टी के नेता अभिनेताओं ने खरीद फरोख्त करके विधायकों की खरीदी करके उस निर्वाचित सरकार को गिराने का काम किया। आज के दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में काला दिन है। देश के लोकतंत्र की हत्या बार बार इस प्रदेश में हो रही है, इसलिए हम सब समूचे प्रदेश के ब्लॉक के जिले स्तर पर तिरंगा यात्रा संविधान बचाओ यात्रा के माध्यम से जनता को भी जागरूक कर रहे हैं। मुंदी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। उस सरकार को गिराने का काम प्रदेश के और देश के रंगा और बिल्ला और यहां नकली मामा ने किया। और आज 1 वर्ष पूरा होने को आया है मित्रों। इस 1 साल में देखिए, इस देश में लगातार निर्वाचित सरकारों को धन बल से खरीद फरोख करके उनको गिराने की परंपरा शुरू हुई है और लोकतंत्र निर्वाचित सरकारें जो जनता चुनती है उनको नष्ट करने का एक परंपरा देश में शुरू हुई है। आज से ठीक 1 वर्ष पहले मध्य प्रदेश में 2018 में जो सरकार मध्य प्रदेश की जनता ने चुनी थी, उस निर्वाचित सरकार को भारतीय जनता पार्टी के नेता नेताओं ने खरीद फरोख्त करके, हाउस ट्रेडिंग करके, विधायकों की खरीदी करके उस निर्वाचित सरकार को गिराने का काम किया। आज का ये दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में एक काला दिन है और उसी संदर्भ में हमने लोकतंत्र बचाने के लिए, जो देश का लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया है, वो लोकतंत्र, उसकी हत्या बार बार इस प्रदेश में हो रही है और हम सब इसलिए आज पूरे समूचे प्रदेश के ब्लॉक जिले स्तर पर तिरंगा यात्रा और संविधान बचाओ यात्रा के माध्यम से जनता को भी जागरूक कर रहे हैं और जनता के बीच में ये भी कहना चाहते हैं कि बार बार जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।